दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम शेयर फिक डॉट इन। आज हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज निफ्टी में क्या हुआ और वेनसडे को क्या हो सकता है। ये निफ्टी का चार्ट है एंड निफ्टी के चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है हमारा वो है कल के लिए 19300 लेवल। ये लेवल अभी क्या है, निफ्टी ने क्या किया है, एक डबल बॉटम बनाया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है एंड ब्रेकआउट देकर वापस आ रहा है। अब इस ये जो लेवल है 19398 से लेकर 19380, सो ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर निफ्टी को वापस यहाँ से बाउंस बैक करके ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको टच करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉप बना था 19523 के आसपास, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ ट्राई किया, रिजेक्शन आया, राइट। वापस से एक और ट्राई अगर होगा, फिर से रिजेक्शन आ गया, तो फिर मोस्टली यहाँ से एक फॉल हमें देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया इंट्राडे में 19350 या 380 के 60 के नीचे में, तो फिर वापस हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे 19315 से लेकर 19300 का एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है ये हमें ध्यान देना है, ये अगर टूटता है तो पैटर्न जो है वो क्लियरली एक डबल टॉप का पैटर्न बनकर ब्रेकडाउन लेवल हो जाएगा। देयर इज़ ए टू सिनेरियो। सिनेरियो नंबर वन इज़ कि यहाँ से कल वापस ऊपर जाए, इस लाइफ हाई को क्रॉस करे और इसको टच करे 19580 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो होना है फिर वहाँ कंसोलिडेट करें। दूसरा ये है कि इस लेवल को टेस्ट कर नीचे ब्रेकडाउन दे दे और फिर इसी रेंज में यहाँ पर क्लोजिंग दे दे एंड देन एक्सपायरी के दिन डिसाइसिव लेवल हमें देखने मिलेगा। तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे ऐसे हमें देखने मिलेगा एंड देन इफ़ यू ड्रॉ दिस अपर ट्रेंड लाइन ऐसा, तो मान लीजिए कि ऐसा आया, ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा गया, फिर फॉर एग्जाम्पल ऐसा आता है सिनेरियो टू, देन यहाँ पे जो सपोर्ट है 19350 के आसपास, इस लेवल पे हमें बाई इनिशिएट करना चाहिए एंड देन फॉर द अपर साइड और जो लाइफ हाई है कम से कम वहाँ तक के लिए हमें एक बाई इनिशिएट करना ही करना चाहिए, ठीक है। बाई जोन जो हमें दिख रहा है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपके पास ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन बायर के पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस होता है, उनको उनकी टाइमिंग बहुत ही सही होनी चाहिए कि दैट वंस दे आर टेकिंग द पोजिशन इट शुड मूव, बिकॉज टाइम डिके फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द एक्सपायरी ऑल्सो। सो आपको क्या करना है कि 19380 के आसपास जब आए तो एक बार आप कॉल इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल 19315 के नीचे का या 300 के नीचे का, या आपको 50 डायरेक्ट इसके ऊपर अगर मिल गया 525 के ऊपर, देन यू नीड टू वेट कि यहाँ पर ये होल्ड करता है कि नहीं। अगर होल्ड करता है तो इट कैन रीच टू, जितना समय इधर लगाएगा निफ्टी कितना समय और ऊपर अगर जाना है तो यहाँ से इसका टारगेट ऊपर जाने, क्योंकि यहाँ से अगर डायरेक्ट चला जाता तो कितना पॉइंट मिलता, 19525 से ज़्यादा नहीं होता। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 19580। मान लीजिए कि यहाँ से फिर यहाँ नीचे के ऐसा एक ट्रेंड लाइन है, नीचे आता है फिर कॉन्सोलिडेट करता है धीरे धीरे कर कर फिर जाता है, देन इट कैन गो टू 19650, क्योंकि अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर है जो एक यहाँ पर निफ्टी को एक स्पेस चाहिए ऊपर मूव करने के लिए, राइट। तो जितना कॉन्सोलिडेट करेगा उतना टारगेट बढ़ता जाएगा। सो की लेवल फॉर टुमारो इज 19380 एंड 19315। ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है कल के लिए ऊपर में ब्रेकआउट के लिए 19525, ठीक है। डेटा को देखते हैं, निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है उसके अनुसार से आपको अभी जैसे मॉर्निंग में मैंने जो डेटा देखा था 19500 लेवल पे बहुत ही एग्रेसिव पुट राइटिंग हुआ था। इस लेवल पे जो अभी डेटा दिख रहा है और मॉर्निंग में ऑलमोस्ट इतना ही था, अराउंड सेकेंड हाफ इट वेंट टू 1.13 करोड़, मोर देन दैट, ओके। और यहाँ पर यहाँ पे जो था 1.10 करोड़, ये कम होकर बिलो 1 करोड़ आ गया था, तो इसलिए निफ्टी 500 के ऊपर थोड़ा गया। बट वापस से कॉल राइटर्स ने एग्रेसिव कॉल राइटिंग किया, यहाँ पे 36 लाख का एडिशन किया आज के दिन और यहाँ पे सिर्फ 50 लाख बच गया, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन हुआ था ऑलमोस्ट मोर देन 1 करोड़ का एडिशन हुआ था वो कम होकर 50 हो गया। तो ये लेवल 19500 इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज पर द डेटा एंड इस लेवल के ऊपर होल्ड करना ही लाइक निफ्टी के लिए शार्प मूव ऊपर की तरफ देगा, लेकिन होल्ड करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 CR कॉल राइटर्स आर अवेलेबल हेयर, ठीक है यहाँ पे।
नीचे में सपोर्ट 19,400 लेवल, यहाँ 1.5 करोड़ ऑफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, और इधर में अनवाइंडिंग हमें देखने मिला है। तो यही अनवाइंडिंग है जो निफ्टी को मॉर्निंग से ऊपर की तरफ पुश कर होल्ड ऊपर की तरफ होल्ड किया हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ इस लेवल से अनवाइंडिंग कम, यहाँ से एडिशन शुरू हुआ और यहाँ से निकलने शुरू हुए तो वापस निफ्टी नीचे की तरफ आया, इस लेवल को नहीं होल्ड कर पाया। तो ऊपर में रेजिस्टेंस आपको 19,500 फॉलोड बाय 19,600, नीचे में सपोर्ट 19,400 फॉलोड बाय 19,300 विद द 75 लाख ऑफ ओपन इंटरेस्ट। सो डेटा दोनों तरफ अच्छा खासा बना हुआ है। अगर जिस साइड भी ब्रेकडाउन हुआ तो उधर बहुत बड़ा मूव आएगा, या तो इधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, क्योंकि डेटा स्ट्रांग है दोनों तरफ। अगर मार्केट को रेंज बाउंड रखना होगा तो इस साइड में अनवाइंड करा दिया, हो सकता है कल के दिन इधर अनवाइंड करा दे आपको, मतलब ये इन लेवल्स पे 75 लाख चला गायब हो जाएगा, 11 लाख गायब हो जाएगा, तो ये सारे अनवाइंड होने लगेंगे। तो मार्केट को अगर रेंज बाउंड कराना होगा तो एक बार इधर अनवाइंड कराएगा, इधर अनवाइंड, और एक रेंज में ही 350 से लेकर 550 के बीच का रेंज एक बनाकर चलेगा, राइट। सो डेटा के अनुसार लेवल्स मैंने बता दिया, 350 इज़ द सपोर्ट एंड ऊपर में रेजिस्टेंस 550, मिड रेंज है 400 से लेकर 500। अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू ट्रेड लेवल, जब लेवल पे आए सपोर्ट लेवल पे आप जरूर बाई कीजिए। सो आई होप आई एक्सप्लेन ऑल दी लेवल्स एंड ऑल। मीट यू अगेन ऑन वेंसडे इवनिंग विद द न्यू डेटा विद द न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।